गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट टू द पिक्चर एंड आस्क द चिल्ड्रन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली. तो फिर मैं आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ, आपको ना मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगी उनके आंसर्स देने हैं. ओके चिल्ड्रन, हाउ मैनी काइट्स डू यू सी इन द पिक्चर? आप इस पिक्चर में कितनी काइट्स देख सकते हो? यस, 2 काइट्स. ओके, नेम द कलर ऑफ द काइट. काइट के कलर का नाम क्या है? इसमें भी था रेड एंड वाइट. ओके चिल्ड्रन, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग? जो बच्चे हैं वे क्या कर रहे हैं? 2 चिल्ड्रन आर फ्लाइंग द काइट एंड 2 आर क्लैपिंग. 2 बच्चे ताली बजा रहे हैं और 2 बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं. व्हाट आर द बर्ड्स डूइंग? ये जो चिड़िया हैं ये क्या कर रही हैं? इसमें आया बर्ड फ्लैप्ड, मतलब चिड़ियाएं अपने पंख हवा में मार रही हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं. आस्क चिल्ड्रन टू मैच द पेयर. वन हैज बीन डन फॉर यू. अब हमें मैच करना है. इसमें काइट स्पूल दे रखा था, मतलब जिससे पतंग उड़ाते हैं, जिस धागे से पतंग उड़ाते हैं, और यहाँ पे काइट थी. तो उन्होंने दिखाया कि काइट स्पूल को काइट से मैच कर दिया. नाउ वी हैव टू मैच बैट. बैट बॉल. ओके, क्योंकि बॉल काइट के साथ नहीं हो सकता, बॉल डाइस के साथ नहीं हो सकता, और बॉल शटल के साथ भी नहीं हो सकता. आप भी मेरे साथ साथ करेंगे पेज नंबर 29 पर. ओके चिल्ड्रन, तो बॉल हम बैट से मैच कर देंगे. नेक्स्ट इज रैकेट. रैकेट डाइस के साथ होगा? नो. शटल कॉक? यस. जो रैकेट होता है बैडमिंटन, हम शटल कॉक से ही खेल पाते हैं. लूडो. लूडो विद डाइस. लूडो हम डाइस से खेलते हैं, तो इनको मैच कर देंगे. अब नेक्स्ट है चिल्ड्रन राइमिंग वर्ड्स. अब मैं ये कुछ राइमिंग वर्ड्स बता रही हूँ जिसके साउंड पीछे से जो होती है वो सेम होती है. ओके, उन्हें कहते हैं राइमिंग वर्ड्स. अब आप भी मेरे साथ साथ बोलेंगे. ब्लू फ्लू काइट वाइट फन सन स्काई फ्लाई बॉय टॉय क्लैप फ्लैप. ओके चिल्ड्रन, अब हम यहाँ पे राइटिंग करेंगे. यहाँ पे लेटर्स दिए हुए हैं, हम वे 3 लेटर्स ट्रेस करेंगे और उन्हें आगे लिखेंगे. ओके चिल्ड्रन, अब फर्स्ट लेटर है एक्स, तो एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, दूसरी स्लैंटिंग लाइन और एक्स बन गया. नेक्स्ट लेटर इज वाई, एक स्लैंटिंग लाइन, दूसरी स्लैंटिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन. वन स्लैंटिंग लाइन, सेकंड स्लैंटिंग लाइन एंड वन स्लैंटिंग लाइन. ओके चिल्ड्रन, सो नेक्स्ट लेटर इज के. वन स्टैंडिंग लाइन, सेकंड स्लैंटिंग लाइन एंड देन अगेन स्लैंटिंग. एक सीधी लाइन, फिर टेढ़ी, फिर टेढ़ी. ओके, अब यहाँ पे आस्क चिल्ड्रन टू लुक एट द पिक्चर एंड नेम देम अलाउड. नेक्स्ट आस्क देम टू नेम द लेटर्स एंड साउंड विद विच ईच बिगिंस. तो आपको इसमें करना है, आप इन पिक्चर्स को देख रहे हो, आपको ये पिक्चर्स देखनी है और इनको प्रोनाउंस करना है, इंग्लिश में बोलना है, और इनकी साउंड बतानी है किससे ये शुरू होते हैं और जो लेटर. तो पहला कौन सा है? यस, एक्स मिस्ट्री. तो इसकी फर्स्ट लेटर है एक्स और इसकी साउंड भी एक्स है. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट कौन सा है? याक. याक होता है वाई से और इसकी साउंड है या. ओके चिल्ड्रन, काइट. काइट इज फ्रॉम के. के फॉर काइट, वाई फॉर याक, एक्स फॉर एक्स मिस्ट्री. काइट इज का. ओके चिल्ड्रन, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट पेज वी विल टेक आउट
दिस इज पेज नंबर 31, वी विल टेक आउट पेज नंबर 32। अब हमने पेज नंबर 32 निकाल लिया है, इसमें है आस्क चिल्ड्रन टू टेक द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट या फिर चीज़ें दे मे नीड टू मेक अ काइट। अब आपको इसमें से उन चीज़ों पर टिक करना है जो आपको काइट बनाने के लिए यूज़ होती हैं। ओके चिल्ड्रन, सो फर्स्ट इज स्टिक। स्टिक आप यूज़ करते हो ना, ऐसे ऐसे लगाते हैं, जैसे इसमें ऐसे ऐसे लगाते हैं ना, तो स्टिक पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट इज थ्रेड स्पूल। थ्रेड स्पूल पे हम, ओके चिल्ड्रन, थ्रेड स्पूल भी यूज़ होता है काइट स्पूल, तो काइट स्पूल पे भी हम टिक कर देंगे। ग्लू, ग्लू भी यूज़ होता है पेस्ट करने के लिए, चिपकाने के लिए, तो टिक। सीजर, सीजर पेपर कट करने के लिए यूज़ करते हैं, बॉल का तो कोई यूज़ नहीं होता ना, बास्केट का होता, पेपर का यूज़ होता है ताकि उसमें लग सके। नेक्स्ट इज स्केल। स्केल से नाप के हम डंडी भी काटते हैं और पेपर भी, तो स्केल भी। और मार्क करने के लिए हम पेंसिल यूज़ करते हैं और टेप से हम चिपकाते भी हैं। नेक्स्ट है, आपको इन ये डॉट्स दिखेंगी, आपको इन डॉट्स को ज्वाइन करके एक सुंदर सी काइट मिलेगी, उसके अंदर कलर करके ग्रुप पे ये सारा काम कंप्लीट करके उसकी फ़ोटो भेजनी है। ओके चिल्ड्रन, अगली क्लास में हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे, नोइंग द एनिमल्स। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।